टीनेजर गर्ल्स में वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होना एक बहुत कॉमन फेनोमेनन है, लेकिन यही वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत सारी लड़कियों में कन्फ्यूजन पैदा करता है कि क्या इससे कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या ये हमारे बॉडी पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं। घबराई नहीं फ्रेंड्स, मे आई हेल्प यू, है ना। लेट्स डिस्कस दिस आंसर विद अ फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गणेश शिंदे। हेलो डॉक्टर। जी हाँ डॉक्टर धरती, इस विषय को टीनेजर्स के लिए एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गलत फहमियाँ, रॉन्ग नोशंस अबाउट दिस पर्टिकुलर वाइट डिस्चार्ज। इस वाइट डिस्चार्ज को हमारे साइंस में लुकोरिया बोलते हैं। लुको मीन्स वाइट और रिया मीन्स डिस्चार्ज, इसी से ये वर्ड बनता है। हालांकि ये जो वाइट डिस्चार्ज है, जैसे कि लैक्रिमेशन है यानी आँख में से आंसू बहना, मुँह में से सलाइवा आना या बदन पे पसीना आना, बस वैसे ही ये होता है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल या एक्सेसिव हो जाता है, उसमें दुर्गंधि आती है, तो फिर ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। पीरियड्स के कुछ दिन पहले इसका बढ़ना स्वाभाविक है, दो पीरियड्स के बीच में इसका बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, तो देर आर सम होम रेमेडीज़। जैसे आप अपने रिदम को, अपने रेजिम को कंट्रोल में रख सकती है, एक्सरसाइज को कर सकती है, अच्छा पानी का थोड़ा ज़्यादा सेवन कर सकती है, स्लीप पैटर्न को बराबर से रखना है, स्लीप जो 8 आवर्स की स्लीप है उसका वो कोटा को पूरा करना है, और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करना है। ये हिसाब से अगर आप जब ट्राई करती है तो अपने आप में ये सीमित हो जाता है, और इसके बावजूद भी अगर समझो वो बढ़ता है, उसमें अगर ब्लड टिंज है या फिर ग्रीनिश है, ईचिंग है या फिर बहुत ही एक्सेसिव है, बैड स्मेल है, ऑडर है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी अंडरलाइंग कॉज कभी कभी गंभीर हो सकती है। बट नॉर्मली यू नो आमतौर पर डिस्चार्ज is a very natural phenomenon, कोई डरने की बात नहीं है, you can definitely manage at your level, maybe with consultation with your family members or some seniors.